काम ये लोग करते ही क्यों हैं अगर बाद में मुंह छुपाना पड़े? अगर शरेआम गलत हरकतें करनी है तो फिर मुंह छुपाने की जरूरत क्या है? अपने काले कामों को छुपाने के लिए, काले गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ ये कपड़ा काफी नहीं है जो इन लोगों ने अपने चेहरे पर रख रखा है। पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने डिग्री की है, बड़े नामी कॉलेजेस से पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा जो शायद आगे जाकर भारत का फ्यूचर बन सकते थे, लेकिन अब इनको अपनी बाकी की शायद बाकी हुई जिंदगी जेल में काटनी पड़े क्योंकि करोड़ों रुपए की ठगी की है इन लोगों ने। दरअसल ये लोग एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और एक कॉल सेंटर की आड़ में भोले भाले बेचारे विदेशी लोगों को शरेआम खुलेआम ठगने का काम करते थे। यानी हम मानते हैं कि जब विदेशी लोग हिंदुस्तान आए थे आज से 200 साल पहले, तो उन्होंने आज से तकरीबन 100 साल पहले तो उन्होंने बहुत से हमारे हिंदुस्तानियों को लूट कर लेके गए थे, बहुत सा सोना, बहुत से हीरे जवाहरात लूट कर चले गए थे अंग्रेज लोग। लेकिन इस तरीके से बदला लेने की भाव अगर इन लोगों के मन में है तो लानत है ऐसी बदला लेने की भावना पर, क्योंकि किस तरह से ये विदेशी लोगों को ठगने का काम करते हैं। देसी लोग अपने ऑफिस में बैठकर फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है, जैसे कैसे स्कैम चल रहा है खुलेआम, किस तरीके से दरअसल ये लोग फॉरेन में बैठे यानी विदेश में बैठे लोगों को ईमेल भेजते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ बड़ी दिक्कत आ चुकी है, दिक्कत आई है तो उस दिक्कत को सुलझाने के लिए आपके पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको अगर अपना पैसा बचा कर रखना है तो एक गिफ्ट कार्ड आपको खरीदना पड़ेगा, उस गिफ्ट कार्ड को आपको हमारे पास सेव रखना पड़ेगा। यानी उन लोगों का पैसा उन लोगों से ही कहा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपको आपका पैसा सेव करना है तो आपको आपका कमाया हुआ पैसा हमारे खाते में सेव करके रखना पड़ेगा, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमें देनी पड़ेगी, उस गिफ्ट कार्ड की सारी जानकारी देनी पड़ेगी। वो बेचारे भोले भाले लोग जिनको अमूमन अगर ऐसी किसी ईमेल आ भी जाती है लोगों को, पहले तो लोग ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन जब गौर करते हैं उनको लगता है भैया इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है और अगर ये पैसा चला गया तो हम कहाँ के रह जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो भैया वो भोले भाले विदेशी लोग बेचारे इन देसी लोगों पर भरोसा करते रहे और उस भरोसे का अंजाम ये निकला कि अब तक इन लोगों ने करोड़ों रुपये की ठगी की है। 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं, ये आंकड़ा डबल या ट्रिपल डिजिट्स में भी हो सकता है, क्योंकि इतने समय से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था जिसका पर्दाफाश किया पंजाब की पुलिस ने कि मोहाली में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। 37 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया जिसमें 12 लड़कियां और 25 लड़के शामिल हैं। लड़कियां देखने में बेहद सुंदर, हो सकता है बहुत पढ़ी लिखी भी हों, लड़के भी शक्ल सूरत से पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, और अगर जाहिर सी बात है अगर विदेश में बैठे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनसे उस तरीके की अंग्रेज़ी में बात कर पाएंगे जिस तरीके की अंग्रेज़ी सुनने के लिए वो लोग आदि होते हैं, यानी उस तरीके का एक्सेंट बोलना, चाहे फिर वो अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, या फिर कहीं के भी वहाँ के लोग क्यों ना हो। तो हो सकता है ये जो 37 लड़के लड़कियाँ हैं इन्होंने पूरे तरीके से अपनी अंग्रेज़ी की भी ट्रेनिंग ली हो कि अपनी अंग्रेज़ी को किस तरीके से सुधारना है, किस तरीके से उन अमेरिका के लोगों से अमेरिकन इंग्लिश में बात करनी है, ब्रिटेन के लोगों से ब्रिटिश इंग्लिश में बात करनी है, और अगर ऑस्ट्रेलिया के लोगों से या और किसी प्रांत के लोगों से बात करनी है तो उस तरीके का एक्सेंट इनका होना चाहिए। पंजाब पुलिस ने 37 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया जिनका मास्टरमाइंड बेचारा गुजरात में बैठा हुआ इन लोगों से काम करवा रहा था। हालांकि इस पूरी घटना में ये देखना भी लाजमी होगा कि क्या इन लोगों को पता था कि ये काम कर रहे हैं ये धोखाधड़ी का काम है, या फिर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी के लालच में बहला फुसला कर उनसे ये काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है, इसका मास्टरमाइंड गुजरात में बैठा हुआ पंजाब में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था जिसमें 37 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने अब तक विदेश में बैठे अंग्रेजों से करोड़ों रुपए की ठगी की है, और इन लोगों से बरामद हुए हैं तकरीबन कितने लैपटॉप, 40 से ज़्यादा लैपटॉप बरामद हुए हैं, 60 के करीब आईफोन बरामद हुए हैं, गाड़ी बरामद हुई है, नकदी कैश बरामद हुई है। तो पूरे तरीके से एक पूर्ण रूप से कॉल सेंटर जैसे चलाया जाता है वैसा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जहाँ पर लोगों की दिक्कत सुलझाने की बजाय ये लोगों को और दिक्कत दे रहे थे। विदेश में बैठे विदेशी लोगों से देसी लोग धोखाधड़ी कर रहे थे और अब तक धोखाधड़ी का आंकड़ा बाहर नहीं आया, लेकिन पुलिस का ये अनुमान है कि ये आंकड़ा डबल या ट्रिपल डिजिट्स में हो सकता है, यानी सैकड़ों करोड़ों रुपए की ठगी इन लोगों ने हो सकता है कि विदेशी लोगों के साथ की हो। जिहड़ी माड़े अंसरां दे खिलाफ पंजाब पुलिस वालों जिहड़ी मुहिम छेड़ी गई है उहदी लगातारता दे विच मोहाली पुलिस वालों देर रात कल एक इलीगल कॉल सेंटर दे उत्ते जिहड़ा हैगा रेड किया गया,
तो उस इलीगल कॉल सेंटर के उत्तों असी जो देखा तो उत्थे पाया गया कि उत्थे जिहड़ा ठगी मारन का जिहड़ा कारोबार है वो चल रहा सीगा। एक वैब टैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर चल रहा सीगा ते इहनूं शकल कॉल सेंटर की दित्ती हुई सी पर असल दे विच इह एक फ्रॉड करन दा तरीका सी। इहदे विच करीब 37 जिहड़े हैगे है जिहड़े उत्थे इंप्लॉइज काम कर रहे सीगे इह सारे मिलके जिहड़े सीगे ठगी मार रहे सीगे। इहनां दे मेन जिहड़े सरगना ने कैविन पटेल ते प्रतीक दुद्धत ये दो बंदे जिहड़े सीगे इहदे ओनर्स ते मैनेजर सीगे जिहड़े कि इहनां सारे नूं ओपरेट करदे सी 37 बंदिआं नूं ते इहनां दे थ्रू ठगी मारदे सी। इहनां दा मोडस ऑपरेंडी इह सीगा कि इह ईमेल्स जिहड़ियां सीगियां पूरी वड्डी गिणती दे विच ब्लास्ट करदे सी ईमेल्स नूं ते मोस्टली इहनां दा टारगेट जिहड़े US दे विच रहिण वाले कस्टमर जिहड़े सीगे उह सीगे। उन्होंने ईमेल के कह के डराते हैं कि तुहाडा जिहड़ा पेपाल अकाउंट है वह अकाउंट जिहड़ा हैगा उहदे विच एक इलीगल ट्रांजैक्शन जिहड़ी है हुई है तो उस इलीगल ट्रांजैक्शन के चक्कर के पेनल्टी जिहड़ी है लगाई जा रही वह पेनल्टी के जे तुसीं पेनल्टी तो बचना चाहते हो तो सानू इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। वो जिहड़ा फोन नंबर से इस कॉल सेंटर से आता सीगा उस बाद कॉल से जिहड़ा भी बंदा फस जाता इस गल दे विच उहनां नूं कॉल करता सीगा ये कॉल करके फिर उन्होंने कन्विंस करते सीगे कि इलीगल ट्रांजैक्शन तुसीं कीती है तो इहदा बचन का एक तरीका यह है कि कोई गिफ्ट कार्ड जिहड़ा हैगा इहनां नूं दसदे सीगे कि तुसीं उह खरीदोगे तां जाके तुहाडी ट्रांजैक्शन नूं असीं लीगलाइज कर पाओ तां इस बहाने सिर इस तरह एक तरीके नाल उह बेवकूफ बना के वह गिफ्ट कार्ड जिहड़ा असीं खरीद लैंदे सीगे वह गिफ्ट कार्ड किसी भी डॉलर का कोई $100 तो लैके $1000 टिकट का वह गिफ्ट कार्ड जिहड़ा हो जांदा सीगा तां इसे तरीके नाल इह मल्टीपल कस्टमर्स नूं जिहड़े सीगे इह ठगी मारदे सी। उन्होंने तो इन्हों का काम एक कॉल सेंटर का सिर्फ यही काम से गा कोई किसी होर कंपनी नाल जुड़े हुए नहीं सके इन्हों का काम ही ठगी मारन के वास्ते रखा हुआ सी। जिहड़े इन्हां दे मेन जिहड़े सरगना हैगे जिहड़ा ओपरेट कर रहे हैं वह गुजरात के बैठे है उहदी भी साडे कोल डिटेल्स जिहड़ी है आ गई हैं वो इस टाइप के होर भी शायद कॉल सेंटर ओपरेट करता होवे होर भी पूरे इंडिया के शायद करता होवे तो वो डिटेल भी साडे कोल आ रही है तो छेती भी उसनूं भी रेड करके उन्होंने अरैसट किया। सर ये किन्ने दिनों तो ये चल रहा है पूरा और हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन च की आया किन्ने लोकी दे कोई कंप्लेंट आई सी या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ते असी रेड सी ये जिहड़ी करीब 6 महीने तो ये जिहड़ा सीगा कॉल सेंटर 3 तो 6 महीने दे आसपास चल रहा सीगा ये सानू इन्फॉर्मेशन आई सी फिर साडी जिहड़ी पार्टी सीगी उन्होंने प्रॉपर इहदी रेकी कीती इहनूं वेरीफाई कीता वेरीफाई करन तो बाद जो लग्गिया कि वाकई ये इलीगल है तो उहदे बेस ते असी फिर रेड लेट नाइट रेड करके इहनूं फाइन। सर पिछले 2 महीने पहला भी स्टेट साइबर सैल ने इसे इंडस्ट्री एरिया दे विच कई लोगों को तो बड़ा ईजी इतने हैगा कि बड़े आराम नाल इस तरह की जी ठगी वो भी विदेश का कुछ इस तरह का लिंक है जो वो भी सेम ही वो भी US के कस्टमर ही सके शायद जिन्हें लोग चलते हैं ये बेसिकली जिम्मे हम अपना मोहाली एक इंडस्ट्रियल हब है काफ़ी अच्छे कॉल सेंटर जो है चलते हैं तो उस मजोरिटी जो कॉल सेंटर है जेन्यून है किसी ना किसी कंपनी के कॉल सेंटर है उन्होंने जुड़े हुए हैं इवन काफ़ी फॉरन कंपनीज के जो कॉल सेंटर वो भी इतने चलते हैं बट ये कॉल सेंटर की आड़ दे विच कुछ लोग ठगी मारन के नतीजे आपके कॉल सेंटर खोले हुए जिन्होंने तो यह भी उन्होंने एक कॉल सेंटर सेगा बल्कि तुहाडे माध्यम तो मैं सारिआं नूं यह वॉर्निंग भी देना चाहूँगा कि जिथे भी यह इलीगल कॉल सेंटर चल रहे हैं उन्होंने खिलाफ इस तरह ही मोहाली पुलिस सख्ती नाल जिहड़ा है एक्शन लैंदी रहे। सर कोई इंटरलिंक हैगा सी पिछले केस नाल इहनां विचों कोई क्योंकि वह भी बंदे बाहर दे सीगे कोई हैदराबाद दा कोई इंडियन सॉरी पंजाब वाले बंदे दे सीगे कि इस कोई ऐसा स्पैसीफिक लिंक तो नहीं सानू आया सामने पर हाँ ये बाहरले बंदे ये भी बंदे बाहरले हैं जिहड़े इस गुजरात तो जिहड़ा सीगा ऑपरेट हो रहा सीगा मेन जिहड़ा सीगा इहनां दा मास्टरमाइंड जिहड़ा सी गुजरात दा। सर पुलिस हुण किस तरह दी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कौन फेक है किस तरह लीगल है इलीगल है क्योंकि जिदा तुसीं भी कहा ऑब्वियसली हब है इंडस्ट्रियल एरिया तो हुण पुलिस किस तरह वेरीफाई कर रही है कि जिहड़े भी ये कॉल सेंटर चल रहे हैं क्योंकि विदेश का लिंक जिहड़ा सामने आता है और नाइट शिफ्ट लगती है किसी को शक ना हो बड़े उस तरीके दे नाल प्लान तरीके दे नाल तो पंजाब पुलिस मोहाली पुलिस खास तौर की करती है नहीं इहदे विच एक तो साडे रेगुलर जिहड़ी वेरीफिकेशन है वह भी चल रही पई है पर इहदे नाल नाल सानू इन्फॉर्मेशन भी रेगुलरली जिहड़े भी फेक कॉल सेंटर है उन्होंने आनियाँ शुरू हो गई आफ्टर जो अभी 2-3 रेड्स की हैं तुहाडे माध्यम तो मैं सारिआं नूं यह भी कहना चाहूँगा जे किसी नूं इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो साडे नाल शेयर कर सकते हो तुसीं मेरे नाल पर्सनली ऑफिस जाके शेयर कर सकते हो या साडे जिहड़े ऑफिशियल नंबरस उन्हां ते शेयर कर सकते हो तो तुहाडी जिहड़ी आइडेंटिटी है वो असीं सीक्रेट रखांगे। सर किन्ने दोषी फड़े लड़के लड़की इहदे विच टोटल 37 दोषी जिहड़े हैगे असीं फड़े इहदे विचों 25 लड़के ते 12 लड़कियां। एज फैक्टर की सीगा ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ IT ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੋਰਮਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਲਰਸ, ਡਾਇਲਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਹੰਬ ਵਗੇ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਬੈਂਕਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਕੁਛ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਟੇਲ?